नमस्कार दोस्तों, लव मंत्राओं का YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मित्रों, आज मैं एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ स्त्री वशीकरण। जी हाँ मित्रों, आज का जो टोटका जो तंत्र विद्या मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह है स्त्री वशीकरण। आज के इस उपाय से, आज के इस तंत्र विद्या से आप किसी भी स्त्री को अपने वश में कर सकते हैं, वह अपना मन चाहा कार्य करवा सकते हैं। यदि आप किसी से प्यार करते हैं, किसी भी स्त्री या लड़की से किसी से प्यार करते हैं और वह आपके प्यार को समझ नहीं रही है, या आपके प्यार को जानते हुए भी अनजान बन रही है, या आपको इग्नोर कर रही है, तो आप इसके द्वारा अपने प्यार को पा सकते हैं और उसे अपने वश में करके अपना मन चाहा करवा कार्य करवा। मित्रों, आज की जो वशीकरण विधि है, जो तंत्र विद्या है, इसके द्वारा आप शादीशुदा व कुंवारी लड़की किसी को भी, कुंवारी कन्या को भी अपने वश में कर सकते हैं। आज का जो प्रयोग मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये 15 वर्ष की आयु से लेकर, आप 15 वर्ष की आयु से बढ़कर किसी भी स्त्री पुरुष को अपने वश में कर सकते हैं। लेकिन जो आज की विधि मैं आपको जो प्रयोग बताने जा रहा हूँ, ये केवल और केवल स्त्री वशीकरण के बारे में है। और इसी करके आप मन चाहे स्त्री को अपने वश में कर अपना मन चाहा कार्य करवा सकते हैं। जो भी समय आप उसके साथ बिताना चाहते हैं, जो कुछ भी आप उसके बारे में सोचते हैं, जो आपकी चेतना है, यदि आप उससे प्रेम करते हैं, यदि आप उससे संभोग की इच्छा रखते हैं या उससे शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं, तो आप इस प्रयोग द्वारा उसे अपने वश में कर सकते, अपना मन चाहा कार्य करवा सकते हैं। मित्रों, सबसे पहले मेरी हमेशा ये रिक्वेस्ट होती है कि हमारे द्वारा हर विद्या आपको लाइव करके प्रयोग इसलिए लाइव करके बताया जाता है ताकि आप आसानी से समझ सके और आसानी से इस कार्य को कर सके, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और वीडियो को, इस विधि को समझने के लिए पूरी वीडियो को अंत तक देखा करें, आप विधि को समझा करें और मंत्र का उच्चारण ठीक तरीके से किया करें, तो आप इन कार्यों में जरूर सफल होंगे। मित्रों, और हमारी कोई भी विधि, कोई भी तांत्रिक विद्या, जो भी विधि कार्य आपको बताए जाती हैं, वह समाज की भलाई, वह सामाजिक कल्याण के लिए बताए जाते हैं, ना कि किसी को आघात पहुंचाने की भावना से बताए जाते हैं, कि ताकि आप हमारे द्वारा विधि को बताई विधि अनुसार करके किसी को अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी को अपना गुलाम बनाते हैं या वश में करते हैं अपना निजी कार्य करने के लिए, या किसी के अंदर मतभेद पैदा करते हैं, किसी का रिश्ता तोड़वाते हैं, तो यह बहुत गलत है। आप इन कार्यों में कभी भी सफल नहीं हो पाओगे, हमेशा निष्फल रहोगे। यदि आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं, उसके दिल तक अपने दिल की बात पहुंचाना चाहते हैं, तभी आप इन कार्यों को करें। मित्रों, विधि बताने से पहले मैं कहूंगा, अगर अब तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आगे चलकर हम आपको और भी टोटके में मंत्र बता पाए। मित्रों, ज्यादातर लोगों ने यह मैसेज किया कि गुरु जी कोई तांत्रिक विद्या बताइए, कोई अघोर विद्या बताइए जिसका परिणाम तुरंत आए। तो मैं उनको कह दूं, जो अघोर वैतांत्रिक विद्याएं होती हैं वे काफी शक्तिशाली, वे महाशक्तिशाली होती हैं और वे बहुत दुर्लभ होती हैं। उनका कार्य अति शीघ्र जरूर होता है, लेकिन इतना है कि अगर जरा सी भी चूक होती है तो उनका कार्य हमेशा निष्फल हो जाता है और वे कहीं ना कहीं किसी न किसी को नुकसान पहुंचाता है। ये आज की विधि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये भी तांत्रिक विद्या या अघोर विद्या से जुड़ी हुई है, लेकिन इसे हमने आपको सरल रूप में बताया है ताकि आपको करने में कोई हिचकिचाहट ना हो और करने में कोई परेशानी ना हो, आप आसानी से करके अपने कार्यों में सफल हो सकें, वे अपने जीवन को सफल बना सकें, वे अपनी मनोइच्छा पूरी कर सकें। मित्रों, आज का कार्य जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, विधि बताने जा रहा हूँ, इसके लिए कुछ सामग्री की आवश्यकता, सामग्री मैं आपको बता देता हूँ। आपको काले रंग की आसन की आवश्यकता है सबसे पहले, सर्वप्रथम, और एक तिल का तेल, जो तिल का तेल होता है उसकी एक बार भिगोकर, आपको पूरा दीपक नहीं भरना है, मिट्टी का दीपक लेना है, केवल और केवल एक बार भिगोकर इसके अंदर रख लें। और आपको 3 लौंग की आवश्यकता है, साबुत लौंग की, 3 लौंग की आवश्यकता है, और जो गेहूं का आटा होता है, जी हाँ मित्रों, गेहूं का आटा तांत्रिक विद्या में, अघोर विद्या में इस प्रयोग के अंदर शमशान की मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन मैं गेहूं का आटा बता रहा हूं ताकि आपको करने में कोई परेशानी ना हो। इस कार्य को आप शनिवार और रविवार और अमावस्या की संध्या शाम के 7 बजे के बाद ही कर सकते हैं, उससे पहले आप कभी भी मत इस कार्य को करें। 3 मैंने आपको तिथि बता दी है, रविवार, शनिवार और अमावस्या के दिन आप इस कार्य को कर सकते हैं 7:30 बजे के बाद। और सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस भी स्त्री को आप वश में करना चाहते हैं, जिस प्रेमी प्रेमिका को, पति पत्नी को भी आप वश में कर सकते हैं,
जैसे कोई पति है वो अपनी पत्नी को वश में करना चाहता है तो वह भी कर सकता है, जो प्रेमी है प्रेमिका को वश में करना चाहता है वह भी कर सकता है, या अन्य कोई भी पुरुष है वह अन्य किसी भी स्त्री को, शादीशुदा स्त्री को, कुंवारी स्त्री को अपने वश में करना चाहता है तो वह भी इस विद्या को, इस कार्य को प्रयोग में कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, गेहूं के आटे से ये स्वास्तिक का निशान बनाना है, श्री गणेश स्वास्तिक का निशान बना ले। उसके बाद जो तिल के तेल का दीपक है उसे एकदम बीच में रखें स्वास्तिक के और इसे जला ले, इसे जला ले। मित्रों मैंने पहले से स्वास्तिक का चिन्ह इसलिए बना रखा है कि ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो और आपका समय ज्यादा ना लूं, इसीलिए आपको सबसे पहले ये जला लेना है। जलाने के बाद आपको क्या करना है, उस दिशा की तरफ मुख करके बैठें जिस दिशा में जिस स्त्री या अपनी प्रेमी प्रेमिका जिसको आप वश में करना चाहते हैं उसका घर है, उसका रहना है, जहाँ वो रहती है, जो उसका गांव है चाहे शहर है, जिस दिशा में भी है आप उस दिशा की तरफ मुख करके बैठें। और बाद में आपको जैसे ही दीपक जलता है उसके बाद आंख बंद करके केवल 5 मिनट के लिए आपको उसी का नाम लेना है और उसी के बारे में सोचना है, उसका चिंतन करना है आंख बंद करके 5 मिनट। 5 मिनट आप उसका चिंतन करोगे, अपने जहां तिलक लगाते हैं दिमाग आंखों के बीच में जहां तिलक लगाया जाता है वहां अपना ध्यान केंद्रित करोगे और उसका नाम लोगे, आप उसका नाम लोगे, उसका चिंतन करोगे, उसकी तस्वीर बनाओगे और जो समय आप उसके साथ बिताना चाहते हो जैसा भी हो, ये जरूरी नहीं है कि वो समय कैसा है, लेकिन जैसा भी समय आप उसके साथ बिताना चाहते हो, चाहे अपना पूरा जीवन बिताना चाहते हो, तो उस खास लम्हे आप याद करें और उसका चेहरा एकदम क्लियर याद कर। जैसे ही आपको उसका चेहरा नजर आने लग जाता 5 मिनट के उपरांत तो आपको अपनी आंखें खोलनी है और एक लौंग को लेना है, एक लौंग को लेना है और इस लौंग को इस तरीके से इस दीपक के अंदर करते हुए आपने 7 बार करना है, 7 बार। 7 बार करने के बाद उसका नाम लेते हुए जैसे 7 बार नाम ले, 7 बार ऐसे करें, 7 बार फिर से ऐसे करें, फिर इस लौंग को रख दें वापिस। इसी तरीके से दूसरे लोगों को 7 बार करना है आपको, उसका 7 बार नाम लेते हुए, उसका चिंतन करते हुए और इस तरीके से कर ले। इसी तरीके से तीसरे लोगों को भी आपने इस तरीके से करना है। बाद में आपने क्या करना है, इन 3 लोगों को अपनी दाहिने हाथ की मुट्ठी में रखकर केवल इसके ऊपर ये अंगूठा रखना है और एक मंत्र का उच्चारण करना है। जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं उस मंत्र का आपको 111 बार उच्चारण करना है। मंत्र इस प्रकार है, मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में ही दे दूंगा और यह जो स्क्रीन पर शो हो रहा है इसी मंत्र का आपको 111 बार उच्चारण करना है। मंत्र इस प्रकार, ओम जल की जोगनी पताल का नाक, अमूक को भेजू उसके लाख, सोते सुख ना बैठे सुख, फिर देखे मेरा मुख, मेरी बांधी घुटने तो बाबा नरसिम्हा की जटा टूटे। मंत्र में एक बार फिर से बोलने जा रहा हूं, ओम जल की जोगनी पताल का नाक, अमूक को भेजू उसके लाख, सोते सुख ना बैठे सुख, फिर देखे मेरा मुख, मेरी बंदी घुटने तो बाबा नरसिम्हा की जटा टूटे। और नरसिम्हा भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए इस मंत्र का जाप करें और मंत्र में आए अमुक शब्द की जगह उस स्त्री का, उस लड़की का, उस प्रेमी का नाम ले, प्रेमिका का नाम ले जिसे आप वश में करना चाहते हैं। और जैसे ही मंत्र का 111 बार उच्चारण होता है तो आप इन लोगों को इस अग्नि में डाल दें, इस दीपक की अग्नि में, क्योंकि ये दीपक की अग्नि में आप इस तरीके से डाल दें, ये जलना चाहिए, इस बात का आप ही को खास ख्याल रखना है कि ये कैसे जलेंगे। और जब तक ये नहीं जले तब तक आपको अपना आसन नहीं छोड़ना है, इन इसी दीपक के अंदर आपको इन्हें जलाना है लौंग को। और तीनों लौंग जल जाने के बाद उसी समय इसका जो महाशक्ति जाली परिणाम वो आपके सामने होगा, जो दुर्लभ और शक्तिशाली परिणाम है आपके सामने होगा और वह व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा। मित्रों इस कार्य को करने से पहले आपको एक बात का खास ख्याल रखना है, इस कार्य को आपको 3 दिन लगातार इसी तरीके से करना है, चाहे तो आप 3 रविवार कर लें, चाहे तो आप 3 शनिवार कर लें, और इस कार्य को 3 रविवार 3 शनिवार कर सकते हैं। और अमावस का जो दिन मैंने आपको बताया था, अमावस की तिथि, केवल अमावस की रात्रि को आप करते हैं तो ये कार्य एक बार में सफल हो जाता है यदि आप अमावस के दिन करते हैं। अन्य अगर आप शनिवार या रविवार करते हैं तो आपको या तो 3 रविवार या 3 शनिवार इसी तरीके से इस विधि को दोहराना होगा, वह व्यक्ति ताम्र के लिए आपके वश में हो जाएगा। तो इसका जो भी परिणाम है वह आपके सामने होगा, वह आपके वश में हो जाएगा, आपके कहे अनुसार जाएंगे। मित्रों अगर किसी कारणवश आप इस कार्य को करने में विफल रहते हो तो आप यह कार्य हमारे द्वारा भी कॉल करके करवा सकते हैं। इस मंत्र व विधि से जुड़ी अन्य जानकारी और सावधानियां जानने के लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दिया गया। इसके साथ इजाजत चाहता हूँ मित्रों, धन्यवाद।